की धरती से राज तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गंगा किनारे मुंगेर में खड़े हैं। चंडिका स्थान के लिए ये जगह जाना जाता है, जहां देश भर से लोग आते हैं पूजा के लिए। तो इसी के साथ रेलवे कोच फैक्ट्री जमालपुर का सबसे बड़ा और पुराना कोच फैक्ट्री है। अवैध हथियार का गढ़ भी माना जाता है मुंगेर को। राजनीति में ये कौन सा सुरूर है जिसकी वजह से कई बार मुंगेर का नाम उतने शोभनीय तरीके से नहीं लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ योग का गढ़ है, योग का ऐसा गढ़ जहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। ट्विन सिटी के रूप में इसे जाना जाता है जमालपुर के साथ। ये पहचान है और आज आप सब पर निर्भर करता है कि पूरा देश मुंगेर का कौन सा रूप देखेगा। तो हाथ उठाइए और प्रण लीजिए कि हम होश में रहेंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। तो चलिए अब राजतिलक की शुरुआत करते हैं। पहले तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए। मुंगेर की जनता आज राजतिलक में दागेगी सवाल। चार खास मेहमान चारों पार्टियों के हमारे साथ है। याद रखिएगा, आपके सवालों से नेताओं के पसीने छूटने चाहिए, हुड़दंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर कार्यक्रम रोकना पड़ेगा। जबरदस्त भीड़ है। मैं कहूंगी विशाल को कि वो आपको दिखाएं किस तरह से अलग अलग जगहों पर, ट्रक पर, सीढ़ियों पर, दीवारों पर लोग पीछे तक खड़े हैं। ये है इधर जमावड़ा है, दूसरी तरफ ट्रक पर लोग मौजूद हैं। और अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आपका परिचय करा दें उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। राजेश जैन जी बीजेपी के हमारे साथ हैं, प्रचार मंच के अध्यक्ष हैं। तालियों से स्वागत कीजिए राजेश जैन जी का। हमारे साथ प्रमोद यादव जी है जो कि नेता है आरजेडी के, स्वागत कीजिए इनका। हमारे साथ जावेद गनी जी हैं जो कि एनसीपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से। और हमारे साथ जियाउर रहमान साहब हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। इन सब से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लेकिन राजेश जैन जी, आपके पास आते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि बिहार के चुनाव जाति, धर्म, गौमांस के आधार पर आप लड़ रहे हैं या फिर आप स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत खुश नजर नहीं आ रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर? जवाब आपका। आपने बिल्कुल ही सही प्रश्न किया है और मैं आपको बता दूं कि ये सारा चुनाव आप हमारा नारा देख लें कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, हर घर बिजली पानी सड़क चाहिए और इस बार बीजेपी की सरकार चाहिए, तो जात पात से ऊपर तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और रहा प्रश्न गौ मांस का, रहा प्रश्न गौ मांस का, तो मैं आपको बता दूं कि गौ मांस हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ। गाय तो हमारी माता है, उसका मांस क्या मुद्दा हो सकता है? ये तो वो लोग सोचें जो गौ मांस खाने के लिए कहते हैं, ये हमारा मुद्दा कैसे है? लोगों से सवाल लेंगे। अब अगले कैंडिडेट के पास जाते हैं। आप लोग शांति बनाए रखिए, देखिए ऐसे नहीं होगा। पूरा देश आपके मुंगेर को आज देख रहा है। बिहार की राजनीतिक समझ सबसे ऊंची मानी जाती है और इसीलिए आप पर ये निर्भर करता है कार्यक्रम को आप कैसे आगे बढ़ने देते हैं। आरजेडी से हमारे साथ प्रमोद यादव जी हैं। प्रमोद यादव जी, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई दिख रही है बिहार की, उसको धर्म और जाति का रंग देने में माना जा रहा है। लालू जी सबसे आगे कहते हैं आचार संहिता के केस मुझ पर दर्ज हैं, तो ये सम्मान की बात है। ये कौन सी मिसाल है जो वो पेश कर रहे हैं? लालू जी, ये समाजवादियों का गढ़ है बिहार और मुंगेर। लालू जी जो विकास का मुद्दा लेकर चले हैं, बिहार में विकास करेंगे और ये जो गठबंधन के आचार संहिता, एक सेकंड, सवाल इनसे, सवाल नहीं सुनेंगे। आचार संहिता का केस दर्ज होना गौरव की बात कैसे हो सकती है? आखिर चुनाव प्रचार के समय आचार संहिता लगाने का कुछ अर्थ होता है या नहीं? शान की बात कैसे हो सकती है केस दर्ज होना? गलत करना शान की बात कैसे हो सकती है? सर जवाब दीजिए। केस चुनाव जब कोई भी आदमी लड़ता है तो आचार संहिता कहीं कहीं फंस भी जाता है। हमारे अमित शाह भी फंसे हैं, हमारे लालू जी फंसे ही हैं और बहुत सारे नेता फंसे हैं। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये चुनाव में आम बात हो गया आचार संहिता फंसना। एनसीपी से हमारे साथ है जावेद गनी साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि महागठबंधन में शामिल ना होकर क्या आप वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? जवाब। मुंगेर की जनता जानती है कि बीजेपी के हम सख्त मुखालिफ हैं। हाँ। हमको लेकिन महागठबंधन में जुड़ते हैं तो फायदा होता है। देखिए, राजनीति में जब बातचीत के जरिए मामला तय नहीं होता तो हर पार्टी चाहती है कि उसका वजूद बचा रहे,
और उस वजूद को बचाने के लिए चुनाव में आती है और लड़ती है। इसके ये माने नहीं है कि हम लोगों को बीजेपी से कोई हमदर्दी है। हम लोग बीजेपी के सख्त मुखालिफ हैं। हमने महागठबंधन की ये जो सरकार थी उसको समर्थन दिया था हमारी पार्टी, लेकिन चुनाव अलग लड़ रहे हैं ना, इसलिए मेरा सवाल था। जय रमान साहब, आपसे एक सेकंड प्लीज, आप लोग शांत नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे। प्लीज देखिए, पूरा देश आपको देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है नीतीश कुमार पर वो ये है, कितने लोग ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने सही किया? हाथ उठाइए। अच्छा, एक बड़ा हिस्सा मानता है, एक बड़ा, ठीक है, बैठिए। लालू प्रसाद यादव के साथ, सर आपको थोड़ा सा साइड होना, लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, गौमान से लेकर अगड़ा पिछड़ा, उस पर नीतीश जी मौन क्यों है? जवाब। नीतीश जी का मुद्दा साफ है, और नीतीश जी जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वो सुशासन पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पर लड़ रहे हैं, आरक्षण पर लड़ रहे हैं, डीएनए के सवाल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने, लेकिन एक सेकंड सवाल सुनिए, लेकिन सुशासन में अगर चारा का कॉकटेल मिक्स बन जाए तो ठीक है क्या? जवाब दीजिए। जी, सुना मैंने। सुशासन में अगर चारा घोटाले का मिक्स हो जाए तो वो सुशासन रहता है? आप मैडम, ये बहुत पुरानी बात आप बता रहे हैं, चारा घोटाले की बात। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक भी घोटाला का बात बता दीजिए। नहीं नहीं, एक भी घोटाला बिहार में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब लोगों के सवाल जवाब लेते हैं, एक कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। आइए, आप बैठिएगा तो आप बैठिए अपनी जगह पे बैठिए। हाँ मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आपने शोर शुरू करने से पहले कहा कि मुंगेर अवैध हथियारों का जगह है। सवाल नहीं है आपके पास, सवाल नहीं है, आप भटक गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए नीतीश कुमार ने बोले थे पहले, और आज 6 साल हो गया, किया था उन्होंने, अदा करके गया, और आज नया एक वादा करके दिया है कि आज सबके घर में बिजली कनेक्शन फ्री किया जाएगा, बिजली कनेक्शन मुफ्त होगा। ऐसा क्यों, झूठा वादा क्यों कर रहे हैं? जवाब मुझे दीजिए, बिजली कितने घंटे रहती है यहाँ पे? बिजली आती है लेकिन 22 घंटा, उसमें नीतीश कुमार लालू दादू सदा लैंटर्न के लिए, लैंटर्न था जब से आया है, बिहार का विकास खत्म। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का, अच्छा जेडीयू से ये सवाल मुझे पूछना है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का वादा किया था, ये उस छात्र का सवाल है, उस युवा का सवाल है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब नीतीश जी वादा करके गए थे पहले, वो कह रहा है आज तक तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की। जवाब, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक का स्कूल की जो बातें हुई थी, हाँ, जमीन भी हो गया पॉलिटेक्निक के लिए खड़गपुर में, और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 5 नंबर गुमती पर, बहुत जल्द चुनाव के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चुनाव के बाद, मतलब आप इंतजार करते हैं एक चुनाव के बाद अगला चुनाव आए तब आप शुरू? प्रोजेक्ट बन गया है, सीमेंट बन गया, सारा चीज तैयार हो गया। चलिए, क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है बताइए? ये 5 नंबर गुमती के पास, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खड़गपुर में। आपको भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन शांत रहना पड़ेगा तभी शो चल पाएगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रही हूँ, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। आपकी वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे शो नहीं हो पाएगा। बैठिए प्लीज बैठ जाइए। आपसे निवेदन, मैं आऊंगी, लेकिन आपको शांत रहना पड़ेगा पहले। कुछ उठिए मैडम, युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है मैडम, जानना चाहता हूँ। युवाओं के लिए वही सवाल अभी हमने किया था, युवाओं पर ही सवाल किया था। एक शख्स का यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल था, उस सवाल के पास जाना चाहता हूँ। मैडम ये कि बीप का मुद्दा क्यों, विकास का मुद्दा क्यों नहीं? गरीबों को पेट में खाना नहीं मिलता है, यहाँ मुद्दा बीप का होता है कि नहीं? बीप का एक लाख आदमी एक भी खाना नहीं खाता है, अब बीप की मुद्दा हो रहा है। उनका कहना है कि गौमांस के इर्द गिर्द क्यों बहस होती है, क्यों नहीं होती? आमद सवाल पूछिए।
मैम, मैं माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा का जब एक ही व्यवस्था दिया गया है हमारे संविधान में सबको समान अधिकार, तो दो तरह के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों दी जा रही है? सरकारी स्कूलों में जिस तरह की व्यवस्था है उस पर लोगों का सवाल है। एक सेकंड, ये शो नहीं हो पाएगा, आप लोग बैठिए पहले। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग प्लीज। अगर आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो शो को रोकना पड़ेगा। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए सर, मत उठिए, बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आपसे अनुरोध है भैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी संस्कृति नहीं गंवाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हेलो, भाजपा के कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें। आप सभी हेलो, भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, हेलो, हेलो, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं फिर से शो शुरू कर दूंगी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठाइए, बैठाइए, बैठ जाइए, बैठ जाएंगे लोग, बैठ जाइए, बोलिए बोलिए। मुंगेर का नाम आप लोग बर्बाद कर दिया आप लोग। हेलो हेलो, आप लोग से बढ़िया से मूल वाला है सर, आप लोग बैठ जाइए, नहीं इसमें आवाज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, आप लोग बैठिए, आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शो शुरू करते बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए पहले, आप बैठेंगे नहीं तो शो नहीं हो पाएगा, बैठ जाइए, जो जहाँ पर है बैठ जाइए, यहाँ खड़े हो बैठ जाइए भैया, आप लोग नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, हो जाएगा शो, जो जहाँ पर है बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शो शुरू करेंगे, बैठ जाइए तो शो शुरू हो जाएगा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए मैडम, आप लोग को हटना पड़ेगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए हम लोग शो की शुरुआत करेंगे, उनका कहना है जो, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए,
जवाब सुनिए, आप लोग चुप होंगे तो सुन पाएंगे। जी, मैं बोल देता हूँ। स्कूलों की परिस्थिति को लेकर उनका जवाब है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा क्यों है? इस लेकर के सरकारी स्कूल नीतीश जी के शासन में जो शिक्षा की बदतर हालत हुई, सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, ये इसलिए हुआ। इस सरकार में अराजकता की स्थिति आप देखें, विधि व्यवस्था की स्थिति देखें, सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिग्री लाओ नौकरी पाओ और इस तरह से मध्याह्न भोजन का घोटाला हुआ और सरकारी स्कूलों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया। आज बिना कितने स्कूल ऐसे हैं जो इस शहर में बिना छत के चल रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए स्कूल चलाते हैं, शिक्षा के मंदिरों को इन्होंने नहीं छोड़ा। ये स्थिति